हेलो फ्रेंड्स, क्रिकेट विद विक्रमजीत पे आप लोगों का स्वागत है और मैं हूं आप लोगों का दोस्त विक्रमजीत मंडोल। तो फ्रेंड्स, आज जो वीडियो शूटिंग करने वाला हूं, मैं जो शूट कर रहा हूं अभी वीडियो, वो आप लोग जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, जो मेरे वीडियो देखते हैं रेगुलर, उनको पता होगा कि मैं यहाँ पर वीडियो नहीं बनाता हूँ। आज मैं मेरे टेरिस पे वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ पर नेचुरल लाइट अच्छा है, तो आज का वीडियो अच्छा होना चाहिए। और फ्रेंड्स, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़ गाइस, नहीं तो मोटिवेशन नहीं मिलता है। सब्सक्राइब करिएगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि आज का वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, क्योंकि आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो भी बहुत अच्छा है एक क्रिकेटर के लिए, बेसिकली एक अच्छे बैट्समैन के लिए। तो आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होगा, तो प्लीज़ लास्ट तक देखना, तब आपको बहुत कुछ पता चलेगा। और मैंने बोला था कि 50 सब्सक्राइबर्स पूरे होते ही मैं मेरे चैनल पे ब्लॉग्स लाऊंगा, ब्लॉग्स कभी कभी लाऊंगा, ब्लॉग्स के दौरान उसमें ही मैं जो वीडियो उसका जो वीडियो है वो सब का जो वीडियोज़ में मैं बताऊंगा, मैं जो बना जैसे वीडियो बनाता हूँ क्रिकेट का वैसा। और कभी कभी मैं प्रॉपर एक वीडियो बना के दूंगा, कोई जब कोई चीज़ पे डालना होगा तो ब्लॉग्स कभी कभी डालूंगा। 50 सब्सक्राइबर्स पूरे होते हैं, मैं अभी तो सिर्फ 39 सब्सक्राइबर्स हुए हैं, तो 50 सब्सक्राइबर जल्दी से क्लियर कर दीजिए गाइस, जल्दी से 50 सब्सक्राइबर कर दीजिए, तब ब्लॉग्स भी आएंगे, ब्लॉग्स में आप लोग क्रिकेट के सब बातें जान पाएंगे और मैं प्रॉपर वीडियो भी लाऊंगा। ब्लॉग्स कम ही आएंगे मगर ब्लॉग्स डालूंगा मैं, क्योंकि मुझे पता है कि ब्लॉग्स बहुत सबको बहुत कोई देखने को अच्छा मिलता है, ब्लॉग्स सब देखने पसंद करते हैं। तो आज टेरिस पे वीडियो बना रहा हूँ, मौसम बहुत सुहाना है आज, बहुत अच्छा आसमान है आज। तो आज का टॉपिक है कि बैट का केयर कैसे किया जाए। एक अच्छा जो बैट्समैन है वो सब समय खुद का जो बैट है उसको जो एकदम कैसे केयर लिया जाए, इसके ऊपर ज़रूर वो ध्यान रखेगा। तो बैट जो है एक अच्छे बैट्समैन का असली वेपन है, औजार है। तो बैट का अगर केयर लिया जाएगा तो बैट अच्छे से परफॉर्मेंस देगा, तो बैट का जो केयर लेना है वो ज़रूर केयर लीजिएगा आप। तो बैट का तो केयर लेना ही होगा, नहीं तो बैट टिकेगा नहीं। और एक बैट्समैन खुद के जो बैट है उसको बहुत पसंद करता है, अगर वो अच्छा बैट्समैन हुआ तो उसके बैट का जो केयर ले सके। तो ये मेरा एक लौता लेदर बैट है अभी, और एक मेरा एक्स्ट्रा बैट है उससे मैं ड्रिल्स करता हूँ, मगर ये लेदर बैट है मेरा प्रॉपर। तो ये अगर टूट जाए तो मेरा अभी नया लेदर बैट खरीदने में बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अभी उतना मनी नहीं है मेरे पास, पैसे नहीं है थोड़े दिन पहले, इसलिए मेरा लेदर बॉल से क्रिकेट खेलना भी बंद हो जा रहा था। तो ये अगर टूट जाए तो मेरा बहुत ख़राब होगा, तो इसको मैंने केयर पूरे केयर से रखने का कोशिश किया हूँ। तो पहले जो बात है क्रिकेट के बैट को केयर से रखने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, मैं पहले एक पहला पॉइंट बोल रहा हूँ। तो पहला पॉइंट है बैट को एक कवर में रखिए, बेसिकली लेदर बैट्स को, क्योंकि लेदर बैट्स जो हैं उनको बहुत केयर से रखा जाना चाहिए, नहीं तो वो बैट्स ज़्यादा दिन टिकेंगे नहीं। तो मैं मेरे बैट को कवर में ही रखता हूँ, आप भी कोशिश कीजिएगा कि आपका जो लेदर बैट है वो कवर में रहे। टेनिस बैट फिर भी बाहर रह सकता है, क्योंकि बाहर के जो वेदर है उससे भी अच्छा रहेगा और बैट को प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा थोड़ा, अगर कहीं से गिर जाए, अगर आपके कवर जो है वो अच्छा क्वालिटी का रहे, अगर बैट में पैडिंग अच्छा रहे तो बैट बहुत अच्छे से रहेगा। तो बैट में तो पहले आपको पहला पॉइंट है बैट एक कवर में रखिए, बैट को केयर लेने के लिए, बैट तब अच्छा रहेगा आपका। मैं बोल सकता हूँ, मैं भी कवर में रखता हूँ, मुझे पता है। मैं पहले बैट के मेरे किट बैग में एक बैट रखने का जगह था, वहाँ पर रखता था, मगर अभी अलग से बैट कैरी करता हूँ मैं, कि मेरे बैट के कवर में ही रहता है। इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊँगा, इसका भी रिव्यू दूँगा। ये DSC का कवर है, ये भी मैंने परचेस किया था, इसका मैं बाद में वीडियो बना दूंगा, एक इसका रिव्यू भी दूंगा, बहुत अच्छा कवर है।
तो ये फर्स्ट बात। तो सेकंड बात है, आप जब कोई नया बैट ले रहे हैं, सेकंड बैट बात जो है वो है बैट को प्रॉपरली नॉक्ड बैट बना देना, एकदम अच्छे से नॉक करना होगा। तो नॉक करने का जो बहुत सारे पैटर्न है, बहुत तरीके से आप नॉक कर सकते हैं खुद के बैट को। तो मैं एक आसान सा तरीका बताऊंगा। आसान सा तरीका में क्या, ये मेलेट है, मेलेट आप खरीद सकते हैं। ये मेलेट का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और मैं और भी बहुत सारे तरीके हैं नॉक करने के, उसके ऊपर भी वीडियो बना के रखा है। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर वो वीडियो का भी लिंक मिलेगा आपको कि कैसे बैट को नॉक किया जाता है। बहुत सारे वे मैं दिखाया था उस वीडियो में, तीन चार तरीके से। तो ये तो अच्छे बैट्समैन के पास रहता ही होगा, तो इससे अच्छा नॉकिंग होता है बैट का। इससे आप नॉक कर सकते हैं अच्छे से, जैसे मैं ये बैट को फुल नॉक किया हूँ। तो आपको लग रहा होगा कि बैट के सामने बहुत गंदा है, मगर ये बैट मेरे लिए बहुत अच्छा है। मैं पहले तो मुझे पता नहीं था बैट का क्लियर कैसे करना पड़ता है, मगर बाद में पता चला तो बैट का सामने थोड़ा रिपेयर किया हुआ है, इसलिए थोड़ा गंदा है। मैं खुद रिपेयर किया हूँ मेरे बैट को, मैं खुद का बैट खुद ही रिपेयर करता हूँ, और बहुत अच्छे से करना आता है मुझे। मैं और कोई को नहीं देना चाहता मेरा बैट, तो फुल्ली नॉक करना है अच्छे से। मैं उसको भी वीडियो बना के रखा हूँ, आप लोग जाके चेक कीजिए। तो वीडियो तो बड़ा हो रहा है गाइस, कुछ मत कुछ बुरा मत मानिएगा, मगर वीडियो बड़ा होगा और उसके अंदर बहुत सारे बातें भी मैं डालूँगा, जिससे आपको लोगों को बैट को केयर लेने में दिक्कत नहीं होगी कोई। तो देखते रहना लास्ट तक। तो ये हुआ दूसरा बात, अच्छे से नॉक कीजिएगा। तीसरा बात है जो अच्छे से नॉक करने से पहले आप एक ज़रूर, ये बात मैं भूल गया था बोलने के पहले, तो नॉक करने से पहले आप खुद के बैट में देख रहे हैं, आप मेरे बैट में टेप लगाया हुआ है अच्छे से, ऊपर से नीचे तक जहाँ पर हिट होता है बॉल, तो अच्छे से एक टेप लगा दीजिए। ये तो फाइबर टेप है, तो मैं फाइबर टेप लगाया हूँ। इंग्लिश टेप भी लगा सकते हैं, उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, मगर फाइबर टेप भी बहुत अच्छा होता है, प्रोटेक्शन बहुत अच्छा देता है। मेरे बैट्स में तो फाइबर टेप रहते ही हैं, पूरे फ्रंट पे मेरे फाइबर टेप है, सिर्फ यहाँ पर छोड़ के यहाँ पर उतना हिट नहीं होता है बॉल, आपको पता ही है। बहुत हाई बाउंस आता है तब लग जाता है स्टिकर के इस पार्ट में, स्टिकर में उतार दिया हूँ, आप स्टिकर रख भी सकते हैं। तो फाइबर टेप लगाइएगा तब नॉकिंग कीजिएगा, तो बैट में अगर नॉकिंग करते टाइम वहाँ पर डैमेज कम हो, डैमेज नहीं होगा। और अच्छे से नॉक करने का भी तरीका तो मैंने वीडियो में बताया है, वो वाला वीडियो देख लेना आप लोग। तो फाइबर टेप लगा लीजिए, और उसके बाद यहाँ पर फ्रंट पे जब नॉकिंग कंप्लीट हो जाए वो तो फाइबर टेप रहा ही, और साइड में सारे एजेस में जैसे मैंने लगाया है, साइड में सारे एजेस में फाइबर टेप लगाया है, वो सब में फाइबर टेप लगाइएगा। फिर आपका जो बैट का, और एक बात है, बैट का ग्रिप का भी बहुत ख्याल रखना होगा। बैट का ग्रिप अगर ख़राब हो जाता है, फट जाता है, तब आपको बैट का ग्रिप रेगुलर चेंज करना होगा। जब बैट का ग्रिप ख़राब हो रहा है, ख़राब ग्रिप से खेल रहे हैं आप, वह परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं होगा, बैट हाथ से स्लिप छूट जाएगा, स्लिप काटेगा, तो वो अच्छा नहीं होगा बैटिंग के टाइम, आप आउट भी हो सकते हैं अगर आपका बैट स्लिप हो गया। तो ये हुआ कुछ बातें, और भी बहुत सारे बात हैं। और बैट का जो सबसे वीक पॉइंट होता है वो क्या होता है, बैट का टो। तो बैट का टो को हमको स्ट्रॉन्ग करना है अच्छे से, बैट का केयर लेने के लिए, ताकि बैट ना टूटे और बैट का बहुत दिन तक चले बैट। तो बैट को केयर क्यों लेना है, बैट को केयर लेना है बैट को बहुत दिन चलाने के लिए। तो बैट का टो जिसलिए वीक पॉइंट है, इसलिए बैट का टो को भी मजबूत करना होगा। तो पहले तो टो को धीरे धीरे नॉकिंग करिएगा, नॉक करके जब पूरा नॉक हो जाएगा उसके बाद आप इसमें अच्छे से फाइबर टेप तो लगाएगा ही। फाइबर टेप लगाने से पहले आप एक चीज़ कर लीजिएगा, जैसे मैं किया हूँ, ये मैं गटिंग कल ही किया था बैट में। गट ये है जो नायलॉन का जो ये से दिया जाता है, गटिंग किया था मैंने बैट में अच्छे से, एकदम टाइटली कंप्रेस्ड करके एकदम ये करना है। तब आपके बैट का जो टो है उसमें 60-70% तक प्रोटेक्शन मिल ही जाएगा, और एक्स्ट्रा यहाँ पर बॉल लगाने से बैट टूटने का चांस कम होगा। तो यहाँ पर आप गटिंग कर सकते हैं ऐसे, मैं बाद में गटिंग कैसे करते हैं उसका वीडियो बाद में लाऊंगा, अगर कहीं आप लोगों को चाहिए तो। मगर अभी तो मेरे पास ये एक ही बैट है, बाद में अगर नया बैट आया तो मैं दिखाऊंगा वो बैट में गटिंग करके। तो ये ऐसे गटिंग करेंगे तो टो का प्रोटेक्शन अच्छा मिलेगा, और
और एक बात है कि आपके बैट में जो है टो गार्ड रहना चाहिए, नहीं तो फेविकॉल जो ग्लू होता है उससे आप इसमें एक ग्लू का लेयर दे सकते हैं, दो तीन लेयर, दो तीन बार फेविकॉल सूखेगा आप लगाएंगे, फेविकॉल सूखेगा फिर एक फिर फेविकॉल लगाना है, ऐसे करते करते दो तीन लेयर देने के बाद ऐसे एक देखिए कैसे मशीन होके है यहाँ पर एकदम स्मूथ ग्लू का लेयर लगा हुआ है। ये मैंने किया था, इसमें मैंने दो एक टोकार्ड लगाया था वो फट गया, उसके बाद दूसरा टोकार्ड लगाया वो भी फट गया, मगर अभी मैंने टोकार्ड नहीं चलाया, अभी ये ग्लू का लेयर ही है, ये सब समय रहता है, उसके ऊपर कभी कभी टोकार्ड लगा देता हूँ मैं, टोकार्ड लगाने वाला हूँ मैं, टोकार्ड लगाना पड़ेगा इसमें। और इसमें यहाँ तक मैं अच्छे से फेविकॉल का जो है पॉलिश दे के रखा था एकदम, तो ये ऐसे आपका टो भी बहुत मजबूत रहेगा, नॉक करना है आपको ग्रिप, और ग्रिप भी चेंज करना है रेगुलर, ख़राब होगा तो। और बैट में ग्रिप अच्छा क्वालिटी का लगाएगा तभी परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा, जैसे ये वाला ग्रिप देखिए स्लिप कम होता है, मैं ये अभी चला रहा हूँ, बाकी मैं और भी अच्छा ग्रिप लूँगा मैं बाद में। और बैट को केयर लेने के लिए एक आप खुद मुताबिक से बैट केयर किट बना सकते हैं, मैं बाद में इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा कि बैट के केयर किट में क्या क्या रख सकते हैं आप। तो एक तो फाइबर टेप रहना ही चाहिए, एक तो फाइबर टेप, फाइबर रोल भी रख सकते हैं जो मिलता है, एक सीजर, टो गार्ड्स रखता हूँ मैं इसमें, कुछ सैंड पेपर्स, बहुत नंबर के सैंड पेपर मिलते हैं बैट को साफ करने के लिए, देखिए मैंने साफ करके रखा पीछे मगर सामने नहीं कर पाया था, इससे पहले ही फाइबर टेप चिपका दिया था इसलिए और नहीं उठाया हूँ। तो सैंड पेपर्स रखेंगे, सेलो टेप रख सकते हैं बैट के ग्रिप के यहाँ पर लगने के लिए, मगर ये बहुत टाइट रहता है, मेरा ग्रिप ऊपर नहीं चढ़ता है, उसका पीछे भी एक बात है ऊपर क्यों नहीं चढ़ता है, वो भी मैं बात के वीडियो में बताऊंगा, और भी वीडियो मेरे आते रहेंगे। फ्रेंड्स मैं रेगुलर नहीं वीडियो छोड़ पा रहा था क्योंकि मेरा स्कूल खुला था, स्कूल खुलने के कारण मैं स्कूल जा रहा था, और अभी कुछ दिन के लिए स्कूल बंद है तो वीडियो डालूंगा, मैं रेगुलर वीडियो डालने का कोशिश करूंगा, मैं हर दिन सोचता हूँ कि वीडियो बना दूँ मगर नहीं बन पाता है, अगर आज बना रहा हूँ वीडियो तो 12 मिनट का हो ही चुका है अभी तक। तो और देखिए गाइस, तो ऐसे आप खुद के बैट केयर ले सकते हैं, ये सब सामान रख सकते हैं बैट केयर किट में, बैट का जो केयर किट है वो खुद बना सकते हैं या मिलता है ऑनलाइन शॉप में या स्पोर्ट्स शॉप में, SS का मिलता है, AG का मिलता है, आप प्रॉपर बना सकते हैं अलग अलग लेके, वो मैं अलग अलग लेके बनाया हूँ, बाद में मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि बैट के केयर किट जो है मैं उसको बैट केयर किट ही बोलता हूँ, उसमें क्या क्या रहना चाहिए जिससे आप खुद के बैट को एकदम अच्छे से प्रॉपरली एकदम केयर कर सकें। तो ये थे कुछ बातें, और भी बहुत सारे बात हैं, कवर में तो रखिएगा ही तब अच्छा रहेगा आपका बैट, और साफ कीजिएगा, अगर गंदा हो जाए तो आपका बैट को सैंड पेपर से साफ कर पाएंगे आप। ये कुछ बातें थे, अगर मैं अभी कोई मुझे और कोई तो याद नहीं आ रहा है, और भी कोई बात रहे तो मैं अगले कोई वीडियो में उसके बारे में बता दूंगा कि बैट को केयर कैसे लिया जाए। और भी तो आज तो वीडियो ऐसे ही बहुत बड़ा हो गया, ऐसे आप आपके बैट को केयर कर सकते हैं, तो आपके बैट को केयर कीजिए और बहुत अच्छे से खेलिए, बैट को केयर नहीं दीजिएगा तो वो अच्छे से नहीं जाएगा, तो बैट को ज़रूर केयर लीजिएगा गाइस। मुझे पता है बहुत जो अच्छे बैट्समैन है वो खुद के बैट को बहुत प्यार करते हैं, खुद के बैट को बहुत अच्छे से रखते हैं, तो बैट को केयर लीजिए, और बैट को कभी फेंकिएगा मत कहीं, क्योंकि फेंकने से उसका कई बार क्रैक आ सकता है, कई बार फट जा सकता है, बैट फेंकने की चीज़ नहीं है, बैट को अच्छे से खेलिएगा आप, आपका बैट बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस देगा, मैं जो बातें बोला हूँ वो सब लगाएगा तो वो सब यूज़ करिएगा तो आपका बैट बहुत दिन चलेगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स लाइक कीजिएगा, वीडियो तो बड़ा हो गया है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि इसके बाद मैं कौन सा वीडियो लाऊं आप लोगों के हेल्प के लिए। तो आज मैं टेरिस पे वीडियो बना रहा था, तो टेरिस पे तो अच्छा ही लग रहा है वीडियो बनाने में, मैं सोच रहा हूँ आज से टेरिस पे वीडियो बनाऊंगा, कभी कभी नीचे जहाँ पर बना था मैं वहाँ पर भी बनाऊंगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स, और कमेंट बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं अभी तक तो आ रहे हैं, तो
अच्छे अच्छे कमेंट करते रहेगा फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन ज़रूर दबाएगा कि ताकि आपका मेरा कोई वीडियो छूट ना जाए, और अच्छे रहिएगा, और ऐसे ही नेक्स्ट और भी अच्छे अच्छे वीडियो आते रहेंगे ऐसे ही। तो अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, बहुत वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, और नहीं आज तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, अच्छे रहिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।